हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, RSMSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, किस पोस्ट के लिए? लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाने वाले हैं तो वो 25/3 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नोटिफिकेशन आपने भी पढ़ा होगा। तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये बात जाननी जरूरी है कि किस डिपार्टमेंट को हम प्रीफर करेंगे। बात क्लियर हो गई? क्योंकि आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कि आप किस डिपार्टमेंट को सबसे पहले नंबर पर रखोगे, सेकंड नंबर पर रखोगे, थर्ड नंबर पर रखोगे, फोर्थ नंबर पर रखोगे और फिफ्थ नंबर पर रखोगे। तो इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर बाय चांस आप ये गलत कर देते हो, डिपार्टमेंट गलत सेलेक्ट कर देते हो, तो गलती ना हो जाए आपसे। तो इसलिए इससे रिलेटेड ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि अगर आपने पोस्ट सेलेक्ट कर दी, पद डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया आपने, तो उसमें संशोधन नहीं होने वाला है। और ये कहाँ लिखा है? ये वही लिखा है जहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी वैकेंसी डिटेल दी गई है। उसके 2-3 पॉइंट जो नीचे हैं वहां पर आप पढ़ना, वहां पर लिखा गया है कि संशोधन नहीं होगा एक बार आप डिपार्टमेंट क्रम सेलेक्ट कर देते हो। तो अब बात करते हैं कि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि वर्कलोड किसमें ज्यादा होने वाला है, सैलरी के हिसाब से भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और काम किसमें करना पड़ेगा आपको, काम क्या होगा इसमें, लैब असिस्टेंट का जो होता है वो काम क्या होता है। तो वीडियो को दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मैंने 7 डिपार्टमेंट लिखे हैं, सेम क्रम वाइज उसी तरीके से लिख दिए हैं जैसे नोटिफिकेशन में दिया है, यानी पोस्ट कोड 1, पोस्ट कोड 2, 3, 4, 5, 6, 7। बात क्लियर हो गई? अब लैब असिस्टेंट के बारे में हम क्या जानते हैं, लैब असिस्टेंट के बारे में, यानी ये जो है हमारा लैब असिस्टेंट होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो लैब असिस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक हेल्पर की पोस्ट होती है, एज ए हेल्पर वर्क किया जाता है लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसमें और भी आपको बताता हूँ मैं क्या क्या होता है, लैब असिस्टेंट क्या क्या करता है। ठीक है, तो इसमें आपको डिपार्टमेंट, आपने विभाग का नाम देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, तो ये स्कूल, यानी स्कूल लैब, स्कूल में लैब असिस्टेंट की जरूरत है। बात क्लियर हो गई? कृषि में हो गया बात, कॉलेज में, यानी कॉलेज में लैब असिस्टेंट, बात क्लियर हो गया। राज्य विधि विज्ञान, इसमें कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये भी राज्य विधि विज्ञान और कॉलेज, यहाँ पर लैब असिस्टेंट मांगा गया है और ये भी कॉलेज लैब असिस्टेंट मांगा गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन कहाँ पर एलिजिबल है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं PCM, किसकी? PCM और PCB वालों की। PCM और PCB यानी जिनके पास मिनिमम ये 3 सब्जेक्ट हैं, तो वो 1 से 5 तक किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं PCM और PC वाले। PCM और PCB वाले इन दो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। बात क्लियर? अब रह जाते हैं कौन से, PCM हो गया, PCB हो गया, अब हो जाता है एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं, तो वो पोस्ट 2 से 5 तक किसी भी पोस्ट कोड पर, या मैं कहूँ पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। ये बात क्लियर हो गई। अब हो जाता है एक ज्योग्राफी वाले हैं और होम साइंस वाले हैं। बात क्लियर? ज्योग्राफी वाले और होम साइंस वाले। तो ये जो पोस्ट कोड 6 वाली है, जो पोस्ट 6 है, ये ज्योग्राफी वाले हैं, यानी यहाँ पर ये ज्योग्राफी वाले जो स्टूडेंट है वो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट जो है वो इसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म, और किसी भी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। और जो होम साइंस वाले हैं वो भी इस पोस्ट पर, यानी इस डिपार्टमेंट पर ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं आगे। देखिए, आप इसमें फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। बात क्लियर हो गई? तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो हो गई स्कूल लैब असिस्टेंट, सबसे पहले की बात। यहाँ कृषि विभाग में आपको लैब असिस्टेंट चाहिए, कॉलेज में, तो सबसे पहले स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्कूल है, कॉलेज है, और कॉलेज यानी 3-4 पोस्ट कॉलेज की है।
तो होता क्या है जी, कॉलेज में और स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप भी जानते हैं, हमने भी पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे, तो लैब होती है, तो वहां पर जरूरत होती है लैब असिस्टेंट की। बात क्लियर हो गई। अब वहां पर जो टीचर होते हैं लैब असिस्टेंट का स्कूल और कॉलेज में दो काम होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो हेल्पर का, और ज्यादातर हेल्पर की जरूरत ज्यादा वर्क जहाँ होता है, इनको वर्क जो ज्यादा करना पड़ता है वो तब करना पड़ता है जब एग्जाम होते हैं। बात क्लियर हो गई। जब एग्जाम होते हैं कॉलेज या स्कूल में, तब इन पर ज्यादा वर्क होता है। और जो डेली बेस यानी हफ्ते में जितनी भी क्लास चलती है, यानी 7 दिन होते हैं, यानी संडे होता है और 6 दिन आपका स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, तो उस टाइम में, उस 6 दिन में एक से दो बार ही आपकी क्या होती है, क्लास होती होगी, आप जानते हैं लैब की। बात क्लियर हो गई, यानी आपकी प्रैक्टिकल की। तो वहां पर इनको काम करना पड़ता है, ठीक है, वहां पर इनको काम करना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया इनका काम। दूसरा जो इनका और इनका यूज किया जाता है लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट पर, तो वो ये है, बाय चांस आप मान के चलो कि किसी दिन कोई टीचर नहीं आ जाता, किसी दिन कोई टीचर नहीं आ पाता, तो उस कंडीशन में लैब असिस्टेंट को, उस कंडीशन में लैब असिस्टेंट को वहां पर पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। इसलिए 12th मांगा गया है पीसीएम से, कि उसे पीसीएम या पीसीबी की जानकारी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो बाय चांस कभी टीचर नहीं आता है, तो उस समय उस लेक्चर को लेने के लिए लैब असिस्टेंट को भेजा जाता है। बात क्लियर हो गई। तो ये काम होता है लैब असिस्टेंट का स्कूल और कॉलेज में। बात हो गई, तो बस ध्यान रखना कि इसमें सबसे ज्यादा वर्क कहाँ पर होता है, जब एग्जाम होते हैं। तो इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें वर्क आपका इतना ज्यादा नहीं होने वाला है, और दूसरी बात वर्क इसमें आपका इतना ज्यादा नहीं होने वाला है, दूसरी बात बेनिफिट ये है कि इसमें आप इस पोस्ट पर काम करते करते, इस पोस्ट पर आप काम करते करते आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। बात क्लियर हो गई किसकी, स्कूल की, और बात हो गई हमारे कॉलेज की। तो आप सिलेक्ट करना किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, ये तो मेन है, ये तो फर्स्ट पे तो रखना ही है, ठीक है, ये तो अच्छी पोस्ट है, अच्छी चीज है। अब कृषि विभाग में देखो, कृषि विभाग के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ, मैंने अपने दोस्त से पूछा था, वो 2018 में सिलेक्टेड है लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो उसने सिर्फ मेरे को ये बताया है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा, इसमें जो है वर्कलोड सबसे ज्यादा होता है। बात ध्यान आ गई, ध्यान, ठीक है, जो वर्कलोड होगा एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा होता है। बात सिर्फ आपको इतनी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, राज्य विधि विज्ञान, यहाँ पर क्या होता है, राज्य विधि विज्ञान की अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट, तो यहाँ भी लैब असिस्टेंट की जरूरत होती है। अब राज्य विधि विज्ञान में क्या है, ये कहाँ पर मिलेगी हमें, डिपार्टमेंट कौन सा होगा, तो आप भी जानते हैं आपराधिक मामले जो होते हैं, कौन से आपराधिक मामले जो होते हैं, वहां पर लैब असिस्टेंट की भी जरूरत होती है। तो ये जो दो पोस्ट हैं, पोस्ट नंबर 4 और पोस्ट नंबर 5, ये वहां पर होते हैं, वहां पर लैब असिस्टेंट की जरूरत होती है, यानी आपराधिक मामले जानते हो ना, CID देखते हो ना, वहां पर लैब असिस्टेंट होते हैं, तो हेल्पर जो होता है वहां पर, तो वहां वाली पोस्ट आपको, ये राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो यही है, ठीक है। बात करिए तो इसमें वैकेंसी भी कम है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी आप प्रीफर कर सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में हम जाना चाहते हैं, वर्क के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, और सैलरी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, सैलरी का हिसाब भी देखते हैं। देखो जो ये वाली पोस्ट है ना, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला कनिष्ठ वाली पोस्ट है, इसमें आपकी सैलरी कम होगी, ये बात ध्यान रखना बस, और सभी में सब सेम है। बात क्लियर हो गई। तो आपको करना क्या है, आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर क्या होता है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर कॉलेज है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कॉलेज में उनको हेल्पर की तरह वर्क करना पड़ेगा, स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि ये ऐसी तरह काम करता है स्टूडेंट को, और ठीक है, और बाय चांस जब कोई टीचर नहीं आता है, अब्सेंट रहता है, तो उस कंडीशन में इनको पढ़ाने के लिए भी भेज दिया जाता है क्लास में। बात क्लियर हो गई। अब जो राज्य विधि विज्ञान है, इसमें क्या है,
इसमें मैंने आपको बता दिया आपराधिक मामले जो होते हैं वहां पर लैब असिस्टेंट की भी जरूरत होती है, तो वहां पर ये वहां पर आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो अब आप देखिए कि आपको अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले आप कौन सा फिल करें, तो एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे कम काम जो होगा वर्कलोड जो सबसे कम होगा वो स्कूल में होगा। बात क्लियर हो गई? स्कूल में होगा, उसके बाद कॉलेज में। बात क्लियर? और कॉलेज में, और सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर। इन तीनों को ध्यान रखना, अगर वर्कलोड के हिसाब से आप अपने डिपार्टमेंट को प्रीफर कर रहे हैं तो स्कूल में सबसे कम, कॉलेज में थोड़ा उससे ज्यादा होता है और एग्रीकल्चर में बहुत वर्कलोड होता है, ये बात आप ध्यान रखना। सैलरी का आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि ये वाली पोस्ट जो है 5 नंबर की पोस्ट कोड 5 जो है, इसमें आपकी सैलरी कम रहने वाली है औरों के मुकाबले में, औरों के कंपेयरिंग में। और बात करते हैं, ये तो पीसीएम पीसीबी वालों की हो गई। अब ये भी होता है कि फॉर्म एक भरे या दो भरे, फॉर्म एक फिल कर सकते हैं या दो फिल कर सकते हैं। देखिए जी, फॉर्म तो आप दो फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो कंडीशन दे दिया कि प्रीफर किया जाएगा, तो एक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, एक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, इसी में आप अपना प्रीफर दीजिए, आपको दूसरा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर होगी? अब जो ये दो रह गए, ज्योग्राफी वाले और होम साइंस वाले, इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है नोटिफिकेशन में, कहा गया है इन्हें कोई डिपार्टमेंट प्रीफर करने की जरूरत नहीं है, इनका अलग से ही फॉर्म फिल किया जाएगा। बात क्लियर हो गई? कौन से? यानी आर्ट्स वाले और ज्योग्राफी वाले। ज्योग्राफी यानी आर्ट्स ज्योग्राफी में आती है, तो सॉरी ज्योग्राफी आर्ट्स में आती है। बात क्लियर हो गई? तो कॉलेज और ये दोनों होम साइंस वाले, तो होम साइंस वालों का अपना फॉर्म आराम से फिल किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीफर कोई भी नहीं करना पड़ेगा उन्हें डिपार्टमेंट। लेकिन जो पीसीएम वाले स्टूडेंट है, जो पीसीबी वाले स्टूडेंट है और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है, उनको अपना डिपार्टमेंट प्रीफर करना पड़ेगा। और एक बात मैं और रिपीट कर देता हूँ, डिपार्टमेंट आप अपना ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दिया, पोस्ट सिलेक्ट कर दी कि मुझे इसमें जाना है, सबसे पहले मैं इसमें प्रीफर करूंगा, तो आपका वो चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ, तो वो वीडियो होगी 2018 का जो पेपर था लैब असिस्टेंट का, जो 2018 का पेपर था लैब असिस्टेंट का, इसकी कट ऑफ क्या है, इसकी कट ऑफ क्या रही थी। कट ऑफ देखने से आपको ये पता चलेगा, कि आपको क्या टारगेट लेके चलना है। बात क्लियर हो गई? आपको क्या टारगेट लेके चलना है, आपको ये पता चलेगा कट ऑफ देखने से, ठीक है। ये सब चीज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। दो चार चीज अगर आपके पास यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, तो आप कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले तो सिलेबस होता है, दूसरा एग्जाम पैटर्न होता है। बात क्लियर हो गई? तीसरा होता है लेवल ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कहाँ तक थी लास्ट ईयर में। तो ये सब कुछ देखकर आपको तैयारी करनी पड़ती है, उस हिसाब की, उस लेवल की आपको तैयारी करनी होती है। तो बात इतनी क्लियर हो गई? तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।